वेलकम बैक डियर एस्पेरेंट्स, ज्योग्राफी ऑप्शन बाय द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज, और इस सीरीज में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो मौजूदा समय में हमारे सामने हैं और जो हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, मैं नया सीरीज स्टार्ट करने का मेरे पीछे जो मतलब स्टार्ट करने का जो रीज़न है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मतलब कहा है सर नया कोई मतलब करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स डालिए और करंट अफेयर्स पे भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको बता दीजिए, तो इस कारण भी इसको शुरू किया गया है। और दूसरी बात ये भी है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो आपको आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है जानना, हम उसको उस चीज़ को आप तक पहुंचाने के लिए भी इस सीरीज को जो है शुरू कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखेंगे आपकी, जो ये सीरीज है ये डेली बेसिस पे नहीं होगा, बल्कि जो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे इशूज़ या फिर न्यूज़ होंगे जो मैं मुझे लगेगा कि ये आपको जानना ज़रूरी है तो वो मैं आपको बताऊँगा। और एक बात आपका ध्यान रखेंगे कि ऐसा नहीं है कि जो इसमें बताया जाएगा बस आप उसी को फॉलो करेंगे, आप न्यूज़पेपर से इत्यादि को जहाँ से भी फॉलो करते हैं उसे भी फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे नए नए इशूज़ जो इस समय चल रहे हैं या फिर जो नया इंपॉर्टेंट कोई न्यूज़ है तो वो भी चल रहा है, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और एक बात और मैं और बता दूँ आपको कि इस सीरीज़ का कुछ हद तक डिपेंड इस पर करता है कि आपका क्या फीडबैक होता है, वेदर यू वॉन्ट मी टू प्रोसीड फर्दर और नॉट, मतलब कि क्या मुझे आप चाहते हैं कि मैं इसे आगे भी जारी रखूँ या नहीं। तो इस वीडियो के बाद मुझे आप कमेंट में अपना जो फीडबैक होगा वो देंगे कि वेदर मतलब हम शुरू करें, इसे कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, ठीक है। और साथ ही साथ मैं भी बता दूं कि इस सीरीज़ में ऑडियो फॉर्म में सीरीज़ होगा, मोस्टली ऑडियो फॉर्म में होगा, मतलब कि आप हेडफोन लगाकर भी इसे सुन सकते हैं, आपको देखने की स्क्रीन पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप कोई भी काम अगर कर रहे हैं उसके साथ भी आप इसको सुन सकते हैं हेडफोन लगा करके। और अगर इन केस अगर ये वीडियो फॉर्म में रहेगा, मतलब कि आपको देखने की आवश्यकता होगी, तो मैं वीडियो को शुरुआत में ही आपको बता दूंगा कि ये आपको देखने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आप इतना समझें कि मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होगा कि ऑडियो फॉर्म में, मतलब कि आप हेडफोन लगाकर भी इसे सुन सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रोहिंग्या इशू आप देख रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है और लगभग महीनों से ही हमारे मतलब पूरे विश्व में लगभग छाया हुआ है, क्योंकि एक तरह से एक शरणार्थी समस्या है ये, और शरणार्थी समस्या जो है पूरे विश्व का एक मुद्दा मतलब बन चुका है। जैसे कि अगर बात करें हम सीरिया की बात करें तो उस समय ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा व्यापक रूप से उभरा, और इस समय भी एक मुद्दा ये बनकर उभरा हुआ है हमारे सामने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे बात कि इशू क्या होता है, न्यूज़ क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, इशू वो होता है जो इससे पहले भी न्यूज़ में था, आज भी है और आगे भी न्यूज़ में रहेगा। जैसे मैं बात करूँ तो कश्मीर इशू देखिए 1948 से, मतलब कि अगर मूलतः देखा जाए तो 1947 से ही स्टार्ट है, और उसके बाद से आप देखते हैं कि उसको लेकर कई बार होते हैं, मतलब वो इशू बीच में भी चला, आज भी वो इशू बरकरार है और आगे भी संभावना पूरी तरीके से कि वो बरकरार रहे। और बात करें अगर यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की, तो उसमें भी देखिए आप, वो भी एक इशू है कि उसमें सुधार की आवश्यकता है। G4 देश जो अभी सम्मेलन हुआ, जिसमें जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील हैं, ये भी इस पे सुधार के लिए लगातार जोर डाल रहे हैं, तो वो भी एक इशू है, पहले भी था, आज भी सुधार की मांग हो रही है और आगे भी उम्मीद है कि सुधार की मांग होगी। तो ये इशू मतलब ये है कि इसका एक लंबा डेवलपमेंट होता है, ये मतलब एक न्यूज़ की तरह नहीं होता है। न्यूज़ तो वो होता है जो मान लीजिए कि अभी कुछ घटना कोई घट गई तो वो न्यूज़, जैसे कि मान लीजिए सरदार सरोवर बांध का अगर निर्माण कर दिया गया, सरदार सरोवर बांध को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर देश को समर्पित कर दिया तो वो एक न्यूज़ है कि आप न्यूज़ के तौर पर उसको जान लें, ठीक है। एंटोनियो गुतेरस अगर महासचिव चुने जाते हैं यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के, तो उसे भी आप एक न्यूज़ के तौर पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक न्यूज़ है कि हाँ ठीक है, ये बात है, ये सामने आ गई। लेकिन इशू क्या होता है, एक लंबा डेवलपमेंट होता है। तो रोहिंग्या एक इशू है, हम बात करेंगे इस पर क्या इशू है ये। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि जो रोहिंग्या शब्द है, ठीक है, ये शब्द जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1799 में, मतलब कि 1799 में इंट्रोड्यूस किया, मतलब सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया 1799 में। और इतना जान लीजिए आपकी, ये जो रोहिंग्या है ये मूलतः बांग्लादेश के नागरिक हैं। और देखिए हुआ क्या कि जब भारत पर ब्रिटिश शासन मतलब था, तो उस समय ये था कि ये जो आज का म्यांमार आपके सामने है, ये तब उस समय वर्मा के नाम से जाना जाता था। तो ये वर्मा जो है आज के समय में वर्मा में, मतलब कि आज के म्यांमार में ये रोहिंग्या निवास करते हैं, ठीक है, मूलतः यहाँ पे अब निवास करते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि ये बांग्लादेश से म्यांमार में कैसे पहुँचे। तो हुआ ये कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने जो है उस समय जिस समय की म्यांमार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन था, उस समय इसने क्या किया कि बांग्लादेश से इन रोहिंग्याओं को ले जा करके म्यांमार में विस्थापित किया, मतलब म्यांमार में बसाने का कार्य किया। म्यांमार के रखाइन प्रांत, या फिर कहीं कहीं से राखिन भी पढ़ा जाता है, तो राखिन रखाइन दोनों ही चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ये म्यांमार का एकदम पश्चिमी हिस्सा है, पश्चिम दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, जिसकी बाउंड्री जो है आपकी बांग्लादेश से मिलती है। तो आप इसे मैप में लोकेट कर लेंगे कि म्यांमार का रखाइन प्रांत कहाँ है। ये आपका काम है कि आप म्यांमार, आप इंडिया का मैप खोलें, उसके बगल में देखेंगे आप म्यांमार है, म्यांमार के पश्चिम दक्षिणी सिरे के पास में जो है लंबवत बिल्कुल
जो है ये रखाइन प्रांत आपका है और इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। और इसमें एक जगह है अराकान, और इसके नाम पर इस इन रोहिंग्या मुसलमानों को जो है अराकानिस भी कहते हैं। तो एक नाम से इन्हें और जानते हैं अराकानिस, जो कि अराकान नामक स्थान पर रहने के कारण इनको कहते हैं। तो ये जो रखाइन प्रांत है, जो अराकान जगह है, ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। तो जब इनको बसाया गया वहाँ पर ले जा करके, तो ये वहाँ पर खेती वगैरह करना शुरू किए और वहाँ पर अपना जीवन बसर करना शुरू कर दिए। तो कोई समस्या एज इट इज समस्या कोई ऐसी थी नहीं, जो आज समय आप देख रहे हैं कि समस्याएं बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, तो ऐसी कोई समस्या नहीं थी। और इस समय उनकी जनसंख्या लगभग 1872 के आसपास देखा जाए तो 58,000 थी, और फिर 1911 में देखा जाए तो 1,78,000 इनकी जनसंख्या हो गई थी। और करंट में ऐसा माना जाता है कि 10 लाख से ज़्यादा इनकी जनसंख्या है। ठीक है, ये वर्तमान एक आपके पास डाटा है कि 10 लाख से ज़्यादा इसमें रोहिंग्या मुसलमान हैं। तो देखिए, अभी तक कोई समस्या एज सच होती नहीं है। तो 1948 में क्या होता है कि म्यांमार जो होता है आज़ाद हो जाता है, और जब म्यांमार आज़ाद हो जाता है तो उसी के साथ जो है इन रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार का नागरिक मानने की क्या उठती है, मुहिम उठती है कि भाई अब जो रोहिंग्या मुसलमान है इनको भी म्यांमार का एक नागरिक माना जाए। क्योंकि देखा जाए तो ये लगभग 100 साल से हमारे यहाँ रह रहे हैं, लगभग में 100 साल से हमारे यहाँ रहे हैं, मूलतः हमारे देश के नागरिक हो गए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप क्या किया जाए, हमारे देश का नागरिक माना जाए। लेकिन जो म्यांमार की गवर्नमेंट्स जितनी भी आई अभी तक, उन सब में से किसी ने भी इनको अपना नागरिक स्वीकार करने में रुचि बिल्कुल नहीं दिखाई। ठीक है, अब जब इस तरह की बातें आती हैं तो समस्याएं पैदा फिर होनी शुरू होती हैं। तो फिर रोहिंग्या जब नागरिक नहीं, मान लीजिए आपके पास किसी देश की सदस्यता नहीं है, तो आप कैसे चीज़ों को कर पाएंगे? मतलब फिर आप बिल्कुल वही बात हो जाती है ना कि आपके पास कोई घर ही नहीं है, हाँ, बिना घर के आप रह रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें फिर डेवलप नहीं हो पाती हैं, चीज़ें फिर स्मूथली नहीं चल पाती हैं। तो जब ये सिटीजनशिप इन्हें नहीं मिल रही थी, तो इसके बाद इनका पलायन धीरे धीरे शुरू होता है। लेकिन ये पलायन अभी उतना व्यापक रूप से नहीं था, बहुत ही कम मतलब पलायन होता था, और विभिन्न देशों में ये जाके बसना शुरू कर दिए। तो ये समस्या यहाँ पर तब बढ़ती जब 1980 का दशक आता है। अब म्यांमार जो उस समय वर्मा कहलाता था, इसने एक नागरिक कानून पेश किया। अब नागरिक कानून में क्या हुआ कि इसने कहा कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं, ये हमारे नागरिक नहीं हैं, मतलब हम इन्हें अपना नागरिक नहीं मानेंगे, ये बल्कि बांग्लादेश के नागरिक हैं। असली समस्या देखिए यहीं से शुरू होती है। जब नागरिक कानून पारित किया जाता है, उसमें कहा जाता है कि जो ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, ये बांग्लादेशी नागरिक हैं, ना कि ये म्यांमार के नागरिक हैं। उसके बाद से जो बहुसंख्यक वहाँ के बौद्ध समुदाय है म्यांमार में, इनका उत्पीड़न करना शुरू कर देता है। ठीक है, और साथ ही साथ इनके जो मतलब रोहिंग्या जो मुसलमान थे, इनमें भी उग्रवादी संगठन मतलब पैदा होते, जिसमें एक संगठन का मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसको आप भी ध्यान रखेंगे, अराकान रोहिंग्या मुक्ति सेना। तो अराकान रोहिंग्या मुक्ति सेना भी बनती है, जिसके कारण ये एक उग्र तरीके से जो है अपनी मांगों को मतलब सिटीजनशिप प्राप्त करने इत्यादि के मांगों को ये रखने का कार्य करते हैं, और हमले वगैरह करने लगते हैं। जैसे कि हम बात करें, जैसे कि अगर श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में हम देखें, तो लिट्टे हमें ध्यान आता है कि लिट्टे का भी कुछ ऐसा ही कार्य था। तो यहाँ पे कुछ ऐसे ही इनकी भी गतिविधियाँ दिखाई देती हैं हमें, जो अराकान रोहिंग्या मुक्ति सेना है। तो उसके बाद ये क्या होता है, जब इनके रोहिंग्याओं का जब उत्पीड़न होना शुरू होता है, मतलब जो बहुसंख्यक आबादी है म्यांमार की, लगातार इनको पीड़ित करती है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, एक सेना भी बनाते हैं अपनी, मतलब एक संगठित करते हैं अराकान रोहिंग्या मुक्ति सेना, और उसके द्वारा ये क्या करते हैं, उग्रवादी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चीज़ें फिर ज़्यादा व्यापक तरीके से मतलब समस्याएं पैदा होती हैं। तो यहाँ से पलायन जो बढ़ना शुरू होता है तेज़ी से। अब 1980 के दशक से पलायन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, क्योंकि लगातार उनके ऊपर जो जुर्म उठाए जाते हैं, जिसके कारण वो देश छोड़ के जाने के लिए मतलब विवश होते हैं, अपनी जान माल की रक्षा के लिए वो देश छोड़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक चीज़ें ऐसे चल रही थी, मतलब एक ठीक है स्पीड बढ़ गई थी 1980 के दशक के बाद से पलायन की, लेकिन अचानक से हमारे न्यूज़ में फिर ये क्यों आ गया, आखिर न्यूज़ में अचानक से ये चीज़ क्यों आई, ये सबसे बड़ा यहाँ पे प्रश्न है। देखिए हुआ कि 25 अगस्त 2017 को कुछ सेना के कैंपों, मतलब म्यांमार की सेना के कुछ कैंपों पर क्या हुआ था, हमला किया गया, जिसमें कुछ वहाँ पे सैनिक मार दिए गए, कुछ इनोसेंट लोग मार दिए गए। ठीक है, इससे क्या हुआ, तो जो म्यांमार की सेना है उसने समझा, मतलब उसने ये मतलब कहा कि ये जो हमला हुआ है रोहिंग्या की तरफ से होता है, और कहीं कहीं से साक्ष्य भी मिलते हैं। तो आप बस इतना भी इसमें नहीं, डिबेट में नहीं जाना है कि हमला कैसे कौन किया कैसे किया, बस इतना जाने कि म्यांमार की सेना के ऊपर हमला हुआ है, और इसके बाद ये म्यांमार की सेना जो ये जवाबी कार्रवाई कर रही है, और गांव के गांव जो है खदेड़ रही है इनको, मतलब गांव के गांव बिल्कुल ये अपना अभियान चला रही है। और इस संदर्भ में देखें तो ये जितने भी रोहिंग्या मुसलमान, ये अपना जान बचाकर जो है भागने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरे देशों की सीमाओं में ये घुसने का प्रयास कर रहे हैं। तो म्यांमार की सेना उधर से जब बल प्रयोग कर रही, तो इस कारण ये जो है दूसरे देश में पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। यही इशू इस समय है, इसी कारण जो है लगातार ये बांग्लादेश में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सीमा जो है बांग्लादेश में मिलती है, और भारत में भी ये लगातार प्रवेश कर रहे हैं।
और तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब पूरे वैश्विक समुदाय की दृष्टि इसकी तरफ आकर जो है रुक गई है। तो इस तरह से समस्या यहाँ पे आज के समय में शुरू होती है। आई होप आपको आज का करंट डेवलपमेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए कुछ हम बात करेंगे इस समय कि बांग्लादेश में लगभग इस समय लाखों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी जो है प्रवेश कर चुके हैं, भारत में भी प्रवेश किए हैं। अब बात हम इससे पहले करेंगे भारत की कि उससे पहले हम बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की। देखिए कुछ हम लॉज की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में स्पेशली बात करेंगे, ठीक है। देखिए यूनाइटेड नेशन का लॉ क्या कहता है, 2013 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें रोहिंग्या जो मुसलमान है, जो रोहिंग्या अल्पसंख्यक समुदाय है, इसे विश्व का सबसे पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा दिया गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इनके ऊपर जुल्म उठाए गए थे कि विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय है तो वो रोहिंग्या समुदाय है। तो ये 2012-2013 की यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया। फिर हम अगर बात करें कुछ लॉज की बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो 1948 में यूनाइटेड नेशन के जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की, यूनाइटेड नेशन ने जो मतलब मानव अधिकार, जो मानव होने के नाते पे जो अधिकार मिला, जो मानव होने के आधार पर जो अधिकार मिला है, उसकी एक सार्वभौमिक घोषणा की गई जिसमें ये कहा गया कि आर्टिकल 13 के तहत इसमें कहा गया कि अगर कोई भी उत्पीड़क मतलब व्यक्ति अगर क्या होता प्रताड़ित किया जाता किसी देश में, ठीक है, उसको जीने नहीं दिया जाता ढंग से, उसको रहने नहीं दिया जाता है, उसको लगातार परेशान किया जाता है, तो वो देश क्या कर सकता है, दूसरे देशों में जाकर बस सकता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 13 में किया गया यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा 1948 के जरिए। तो आर्टिकल 13 में कहा गया कि किसी भी देश में जाके आप बस सकते हैं अगर आपके देश में आपका उत्पीड़न किया जा रहा है। फिर आर्टिकल 14 में कहा जाता है कि उत्पीड़न की स्थिति में किसी भी देश में शरण ले सकते हैं और रह सकते हैं। मतलब पहले वाले में 13 में कहा जाता है कि किसी देश में आप रह सकते हैं और अगर उत्पीड़न आपका हो रहा है तो शरण ले सकते हैं किसी देश में या जाके फिर आप बस सकते हैं। तो ये देखिए दो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है आपके क्वेश्चन में, ये आर्टिकल दोनों झलकने चाहिए, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 दोनों में कम बस एक ही बात कही जाइए। बस मोटा मोटी आप ध्यान रखें कि 1948 में जो यूनाइटेड नेशन की मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा हुई है उसमें यह कहा गया कि अगर कोई भी व्यक्ति उत्पीड़ित किया जा रहा है किसी देश में तो उसको ये अधिकार है कि वो किसी दूसरे देश में शरण ले सकता है, जाके वहाँ पर रह सकता है, ठीक है। तो ये यूनाइटेड नेशन का एक क्या नियम है। अब हम बात करते हैं आज अपने इंडिया के संदर्भ में, देख रहे हैं कि अभी यूनाइटेड नेशन के सचिव उन्होंने कहा कि भारत को जो है रोहिंग्या शरणार्थियों को जो है अपने यहाँ शरण देनी चाहिए, लेकिन भारत जो है शरण देने से इनकार कर रहा है, ऐसा क्यों है। और एक समस्या यहाँ पे ये भी है कि भारत अभी जो मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले भी 2012 के आसपास से रोहिंग्या कुछ शरणार्थी जो हैं भारत में अवैध रूप से घुस गए थे, घुसपैठिए के तौर पर जो घुस गए थे, और तब से ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, इस तरह के जो आपके क्षेत्र हैं यूपी, इस तरह के क्षेत्रों में, जम्मू कश्मीर, इस तरह के क्षेत्रों में ये क्या कर रहे हैं, बस गए थे। मतलब 2012 से ही लगातार ये क्या कर रहे हैं, अवैध रूप से घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया अभी इस समय क्या कर रहा था कि इनको बाहर मतलब वापस म्यांमार भेजने की तैयारी में लगा हुआ था, और इसी बीच आप देखते हैं कि ये रोहिंग्या इशू जो है बहुत तेज़ी से उभर जाता है म्यांमार की सेना द्वारा बल प्रयोग करने के बाद से। तो इसलिए ये भी एक बात न्यूज़ में आ जाती है, वो क्या है हम उसे अभी आगे समझेंगे। पहले आप इतना जान लें कि इंडिया में हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो भारत में पहले से ही 40,000 रोहिंग्या रह रहे हैं, 2012 से लगातार इन्होंने घुसपैठ की है, और इसमें मैं आपको बता दूं कि सभी रोहिंग्या जो है शरणार्थी नहीं है, क्योंकि कुछ जो है इलीगल तरीके से भारत में घुसपैठ करके अंदर घुसाए हैं और रह रहे हैं। अब बाकी बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो क्या है इसमें लीगल तरीके से जो है शरणार्थी हैं, मतलब शरणार्थी कानून का पालन किया उन्होंने उसके बाद ये भारत में रह रहे हैं। तो हुआ ये कि जब ये बात मतलब न्यूज़ में आई कि भारत जो है म्यांमार वापस भेजना चाहता है, जो रोहिंग्या भारत में आ गए हैं तो उनको वापस भेजना चाहता है भारत, तब कुछ रोहिंग्याओं ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर दी। और तब ये हमारे देश में न्यूज़ में आना शुरू होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है तो उसमें ये कहते हैं कि ऐसा है कि म्यांमार में हिंसा और भेदभाव के कारण हम भारत में शरण लिए हैं, मतलब रोहिंग्या जो मुसलमान है ये सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि म्यांमार में व्यापक भेदभाव और हिंसा होती है हमारे प्रति, इसलिए हम भारत में शरण लिए हैं, हम भारत में अपनी जान माल को अधिक सुरक्षित समझते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि भारत ने जो मानवाधिकार संधि पर हस्ताक्षर किया है इसलिए हमें यह निकाल नहीं सकता, मतलब मानव होने के नाते हमारे पास यह अधिकार है कि हमें अगर कहीं पर हमारा उत्पीड़न हो रहा है तो हमें अपने देश में भारत क्या दे, शरण दे, ठीक है। और इस तरह ये कहते हैं कि हम देखिए जाना नहीं चाहते भारत से क्योंकि हमें भारत में सेफ फील होता है और भारत हमें जो है मानवाधिकार होने के नाते जो है मानव होने के नाते जो अधिकार है उसके आधार पर हमें बाहर न निकालना, ठीक है। और साथ ही साथ ये कहते हैं कि आर्टिकल 21 के तहत हमें जो है मतलब जीने का जो है यहाँ पे अधिकार है, ठीक है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई केंद्र आप ये बताइए कि क्या ये जो कह रहे हैं ये बातें सही हैं और आपकी इस पर क्या राय है, ठीक है, आप इनको क्यों वापस म्यांमार भेजना चाहते हैं।
तो फिर केंद्र कहता है कि पहली बात देखिए ये कि ये बहुत ही अवैध, मतलब इन पे इनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है, ये अवैध रूप में हमारे देश में घुस आए हैं, ठीक है, और ये भारत के नागरिक नहीं है। और जबकि ये भारत के नागरिक नहीं है तो आर्टिकल 19 के तहत इनको देश में कहीं भी आने जाने या फिर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अधिकार केवल भारत उन्हीं को देता है जो भारत के नागरिक हैं। तो इसलिए आर्टिकल 19 के तहत इन्हें देश में कहीं भी आने जाने या फिर रहने का अधिकार नहीं, क्योंकि ये अवैध हैं, घुसपैठिए हैं, मतलब इन्होंने बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट के जो है हमारे देश में जो है घुसपैठ की है, ठीक है। तो इसलिए हमारे देश के नागरिक नहीं है और ये अवैध हैं, और इन्हें इसलिए हम म्यांमार वापस भेजना चाहते हैं। और साथ ही साथ अभी लेटेस्ट गृह मंत्री जो हमारे हैं उनका स्टेटमेंट आया कि जब म्यांमार इसे वापस लेने के लिए परेशान मतलब तैयार है, जब म्यांमार सरकार कह रही है कि हाँ ठीक है रोहिंग्या जो मुसलमान आपके यहाँ इस समय शरण लिए हुए हैं हम उनको वापस लेंगे, तो फिर बाकी लोगों को समस्या इसमें क्यों हो रही है, इसीलिए जो हम इनको वापस भेजना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि हमें जो है मानव होने का आधार के मानव होने के नाते इनको जो है अपने देश में शरण देनी चाहिए, मानवाधिकार मतलब नीतिगत एक नैतिकता हमें निभानी चाहिए, जो यूनाइटेड नेशन इसमें हमसे कह रहा है, तो हम उसे बता देना चाहते हैं कि जो ये रोहिंग्या समुदाय है ये देश की शांति और सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके जो लिंक हैं आईएसआई जो कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, और विभिन्न मतलब आतंकवादी समूहों से जो मिले हैं, सुरक्षा एजेंसियों ने इनके संबंध को साफ साफ देखा है, ठीक है, और इनके संबंध को उजागर किया है, जिस कारण ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। और ये केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, आखिर आज के समय में पूरे विश्व का कोई भी देश रोहिंग्याओं को शरण देना क्यों नहीं चाहता है? तो केंद्र ने इसमें मतलब कहा कि आखिर शरण देना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि विश्व के सभी देश जो अपने सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं, चिंतित हैं, क्योंकि अगर रोहिंग्या मुसलमानों की शरण देते हैं तो फिर इससे इनके देश की सुरक्षा पे चिन्ह लग सकता है, प्रश्न चिन्ह लग सकता है। और आप ये बात क्यों नहीं सोचते हैं अगर जो लोग धर्म के नाम पर कि ये धार्मिक धर्म विशेष के मतलब हैं तो इसलिए इनको जो है शरण दिया जाना चाहिए, ऐसा भेदभाव इनके साथ नहीं किया जाना चाहिए भारत जैसे हिंदू बहुसंख्यक देश में, तो आप ये भी तो देखिए कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो इस्लामिक देश हैं, वो भी तो इनको शरण नहीं देना चाह रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सुरक्षा के लिए बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह हैं ये, इसलिए कोई भी इस्लामिक कंट्री इवन इनको शरण नहीं देना चाह रही है, विश्व का कोई भी देश इनको शरण नहीं देना चाह रहा है। ये अलग बात है कि सारे शरणार्थी जो हैं वो आतंक मतलब इस तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक सुरक्षा कंसर्न तो हर देश की होती ही है, और जानते हैं कि आज के समय में आप आतंकवाद से हर देश की इस तरह से पीड़ित हैं, और भारत की बात तो यहाँ पे कहने की जरूरत ही नहीं कि भारत की इस तरह से आतंकवाद से पीड़ित है, इसलिए भी भारत इनको जो अपने आप शरण देना नहीं चाहता है। तो ये बात हमने कुछ बताई आपको इंडिया के बारे में, यूनाइटेड नेशन के बारे में। आइए कुछ चीज़ें और चर्चा कर लेते हैं कि देखिए अभी लेटेस्ट जो वित्त मंत्री हमारे गृह मंत्री उनका बयान आया कि ये इन्होंने पहली बात कोई आवेदन नहीं किया शरण लेने के लिए हमारे यहाँ, और इस प्रकार से हम देखा जाए तो ये जबरदस्ती घुसा है, मतलब चोरी छुपे घुसा है, इसका मतलब ये घुसपैठी है और ये सुरक्षा के लिए खतरा है, और साथ ही साथ म्यांमार सरकार इनको वापस लेना चाहती तो हमें कोई समस्या भी नहीं है। और दूसरी बात आपको मैं ये भी बता दूं कि एक चीज़ आपके आंसर में और दिखना चाहिए वो ये है कि भारत ने रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 आप इसे ध्यान रखेंगे कि जो रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 है भारत ने उस पर दस्तक नहीं किए, मतलब सिग्नेचर भारत ने उसे नहीं किया है, भारत उसका सिग्नेटरी नहीं है। रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 पे भारत ने दस्तखत नहीं किए हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। और इस प्रकार से भारत मतलब गृह मंत्री कहते हैं कि इस प्रकार से अगर भारत इनको अपना शरण नहीं दे रहा है तो भारत किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत में इस वक्त 14,000 रोहिंग्या मुसलमान हैं, वो यूनाइटेड नेशन ठीक है ह्यूमन मतलब UNHRC यूनाइटेड नेशन रेफ्यूजी कन्वेंशन मतलब कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन रेफ्यूजी कन्वेंशन UNHRC में क्या है, 14,000 रोहिंग्या भारत में जो रह रहे हैं इसमें पंजीकृत है, इसका मतलब वो रजिस्टर्ड है वहाँ पे। इस कारण हम देखें तो बस मात्र 14,000 रोहिंग्या ही भारत में वैध शरणार्थी हैं, बाकी जो 40,000 मतलब कि जो आपके बचते हैं उसमें 26,000 ये क्या है अवैध शरणार्थी हैं, इसलिए इनको देश से बाहर जाना चाहिए। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे भारत ने रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 पर दस्तखत नहीं किए हैं, और इस कारण ये भारत किसी भी विश्व मतलब वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन नहीं करता है। तो इसलिए आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी स्टार्टिंग से, कहाँ से रोहिंग्या मुद्दा उठता है, भारत में क्या डेवलपमेंट है, विश्व के विभिन्न देश जो भारत पर दबाव बना रहे हैं कि या फिर दूसरे देशों पर दबाव बना रहे हैं कि आप इनको जो है शरणार्थियों को अपने देश में शरण दें, तो क्यों कोई देश शरण नहीं देना चाह रहा है, क्या समस्या है दूसरे देशों की, मैंने आपको इस पर भी चर्चा की कि सबको अपनी जो है सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए जो चर्चा इस पर मतलब इनको शरण नहीं देना चाह रहे हैं। तो ये था हमारा आज का रोहिंग्या इशू, अभी आपका काम यह है कि आप इसे आगे भी ध्यान से रखें, मतलब ध्यान रखें इस पर भी जो न्यूज़ आ रही है उस पर आप लगातार एक नज़र बनाए रखें,
और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि भारत इस समय जो अगर देखा जाए दक्षिण एशिया में तो सबसे बड़ा शरणार्थी स्थल है, मतलब बहुत विभिन्न समयों से भारत ने सबसे ज़्यादा शरणार्थियों को अपने यहाँ जो है शरण दी है। तो इसलिए भारत को ये ना सिखाए कि इनको शरण दिया जाना चाहिए, जबकि भारत आतंकवाद से पीड़ित एक बहुत ही मतलब बहुत पुराने समय से आतंकवाद से पीड़ित देश रहा है, इसलिए भारत को की भी अपनी कुछ सुरक्षा चिंताएं हैं और इस आधार पर जो है भारत इन्हें जो है शरण नहीं देना चाहता है। भारत ही क्या, कोई भी विश्व का देश इन्हें शरण नहीं देना चाहता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि आगे कुछ भी अगर डेवलपमेंट होता है रोहिंग्या इशू से तो आप उसे जरूर ध्यान रखेंगे। और मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या इसे आगे कंटिन्यू किया जाना चाहिए या फिर नहीं। तो ये दोस्तों ये था आज का हमारा एक सरप्राइज पैकेज आपके लिए, और आप मुझे फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए इसके बाद मिलते हैं किसी अगले करंट अफेयर्स में, किसी अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।